इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बता रहे थे, सिर्फ बात करते हैं हम लोग अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डेरिवेशन डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन में वैल्यू जीरो आता था, अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है। यहाँ x टू द पावर जीरो इंटू, अब c को बाहर करेंगे, x टू द पावर अगर आप इसका करोगे इंटीग्रेशन, x टू द पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन आया ना, और प्लस c, ये कांस्टेंट और आएगा ना, तब यहाँ से वैल्यू आ जाएगा सी एक्स प्लस, अगर ये कांस्टेंट का नाम होता a तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस सी, बी होता तो बी एक्स प्लस सी, समझे। अगला देखो, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन यहाँ देख क्या है x, कैसे x टू द पावर जीरो इंटू डी एक्स लिखेंगे ना, x के पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन, तो x इनडिफिनिट है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आया। अब चलो इंटीग्रेशन, अब थोड़ा सा टर्म्स को चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ये वाला टर्म नहीं कल कराए होंगे ना, एक दो ही कराए थे ना। चलो अब देखो, तो यहाँ पे इसको सेपरेट करो, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स, देखो तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x का पावर थ्री बाई थ्री, टू बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x का पावर वन है ना, तो वन प्लस वन तो एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तो आपका x ना, और सब के बदले में एक ही बार प्लस सी, ये बताए थे कंसेप्ट कल, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अगर ये आपको कह दें तो कुछ नहीं करना है, पहले तो हम लोग सेपरेट कर ही लेते हैं, फोर आपका बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टू डी एक्स, फोर एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा फोर एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स, समझ गए। तो चलिए, तो क्वेश्चन लिखा जाए पहले, इसको नोट करके, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन, सब लोग ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है। तो चलिए, अब एक्स का पावर वन इंटू एक्स का पावर वन बाई टू डी एक्स ठीक है। अब देखिए तो एक्स का पावर थ्री बाय थ्री प्लस
एक्स का पावर 3/2 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ, तो इसको भी क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अगर इसको कर देंगे तो प्लस सी लिखना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले अरेंज कर लेंगे, ऐसे अरेंज किए हो सब लोग, हाँ। बार बार आँख नोचे तो आँख को छूना नहीं है, छुओगे आई फ्लू हो जाएगा, छुबे मत करो, सही कह रहे हैं। आँख में इचिंग पहले होता है, जाके आधा बाल्टिंग पानी में आधा घंटा गर्दन ही अपना डुबा दो, वो जो होना होगा बाद में होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस और माइनस 2x और लास्ट में आपका प्लस सी। तो देखो आपका एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स का पावर 5/2 और ये भी आपका 5/2 माइनस 2x प्लस सी। अब देखो एक्स का पावर 3 और फिर ये 2/5 और एक्स का पावर 5/2 माइनस 2x प्लस सी आया है। चल फिर देखो, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या, रूट एक्स डी एक्स लिखोगे ना, और 1/√x फिर डी एक्स, कुछ नहीं, एक्स का पावर 1/2 डी एक्स। अब प्लस देखो 1/x का पावर 1/2 है, ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 1/2 डी एक्स हो जाएगा। तो चलो देखो, तो यहाँ से अब एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 फिर 1/2 प्लस 1, एक्स का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। देखो एक्स का पावर 3/2, यहाँ भी 3/2, एक्स का पावर 1/2 और यहाँ भी बच्चा 1/2 और प्लस सी। देखो तो 2/3 होगा ना, एक्स रूट एक्स इसको लिख सकते हो, एक्स का पावर 3/2 को नहीं लिख सकते हो, काहे कि 3 को 2+1 लिखेंगे तो 2/2 1 और 1/2 तो 1 का तो एक्स होगा और 1/2 का रूट एक्स होगा। अब चलो यहाँ पे फिर प्लस 2, ये रूट एक्स और ये प्लस सी हो गया। चलो उसके बाद देखो, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, देखो थर्ड वाला, इसको डायरेक्ट अब क्या करोगे, इसको दो मेथड्स बना सकते हैं। पहले तो इसको कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आ गया नहीं बोल रहे हो, तो उसके बाद तो ये तो किए हुए हैं ना, ये किया हुआ है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना, 4 ना, बता देते हैं उसको, इसको मान लेंगे जेड। देखो सेकेंड मेथड, हाँ, एक्स प्लस 1 इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग जेड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सुनो ध्यान, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्स प्लस 1 को मान लिए जेड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सब पढ़ाएंगे अभी। तो ये डी एक्स बाय डी एक्स और ये डी वन बाय डी एक्स और यहाँ पे डी जेड बाय, नहीं बोल रहे हो, तो आपका ये तो कांस्टेंट 0 ना और ये 1, तो डी जेड बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, तो डी जेड बराबर क्या। अब चलो अब देखो, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स ना, एक्स प्लस 1 के जगह पे, एक्स प्लस 1 के जगह पे जेड पुट कर देंगे, क्योंकि जेड माने हैं, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। तो चलो ये क्या आ जाएगा, अब आपका जेड क्यू बाई 3 प्लस सी होगा ना।
तो चलो पुट कर दो अब यहाँ पे तुम्हारा जेड क्यूब, तो जेड का वैल्यू कितना है एक्स प्लस वन का क्यूब बाय थ्री प्लस सी। अब इसको फैक्टराइज कर दे, अब एक्स का वैल्यू पुट, जेड का वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई दिक्कत, प्लस थ्री ए बी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर हो गया बाय थ्री प्लस सी ना। अब चलो एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बट्टा थ्री प्लस सी, अब अलग अलग कर दो, एक्स क्यूब बाय थ्री, उसके बाद ये थ्री बाय क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय थ्री प्लस सी। तो अनडिफिनिट में ये क्या होता है, पूरा कॉन्स्टेंट ही ना, तो एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर चार, देखो ये एक्स क्यूब ऊपर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा ना, देखो यहाँ इसको करेंगे तो एक्स क्यूब डी एक्स और ये एक्स का पावर माइनस थ्री हो जाएगा न्यूमिनेटर में आएगा तो इन टू डी एक्स लग गया। अब इसको कर दो एक्स का पावर फोर बाय फोर, यहाँ पे एक्स का पावर माइनस टू बाय माइनस टू प्लस सी बन गया। अब बहुत इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का पावर फोर बाय फोर माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर और प्लस सी, कोई दिक्कत हो गया, नोट कर लो, ऊपर वाला भी नोट कर लेना। इसमें तुमको बस खाली यहाँ पे ये कांस्टेंट वाले टर्म, यहाँ तो इंटीग्रेशन करने का प्लस सी आ जाता है ना, तो ये वन बाय थ्री जब आएगा तब तुम मिलाओगे तो कन्फ्यूज़ करोगे, तो वन बाय थ्री भी कांस्टेंट है और इसी के बदले में तो सी का इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं इनडिफिनिट में। अच्छा सर डिफिनिट में वो मामला ही नहीं होगा, डिफिनिट में वो दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ चलो अब तुम लोग को फिर से क्वेश्चन देते हैं, बनाओ। चल इतना क्वेश्चन तुम लोग बनाओ तो अच्छे से सॉल्व करो। चलो प्यारे बच्चों अब आ जाओ यहाँ पे, रूट एक्स प्लस टू को अब हम इस मेथड से बनाना सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव को हम लोग लेट रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू जेड मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे देखो यहाँ, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिख रहा है ना तुम लोगों को। देखो यहाँ पे अब डी वाई डी एक्स रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू डी जेड बाय लिख देंगे। अब देखो फिर से डी वाई डी एक्स रूट एक्स है तो ये एक्स बाय टू और प्लस टू इक्वल टू डी जेड बाय, ठीक है। अब चलो यहाँ ध्यान दो, इसको तुम डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाय टू एक्स का पावर वन बाय टू माइनस वन और ये तो कांस्टेंट जीरो ना, तो डी जेड बट्टा
डी एक्स। तो अब देखो तुम्हारा यहाँ से कि 1/2, और ये तो -1/2 आ जाएगा ना, 1/2 -1, तो -1/2 जो कि नीचे आके आपका आ जाएगा रूट एक्स इक्वल टू डी जेड बाय, ठीक है। तो देखो डी एक्स इक्वल टू तुम्हारा वैल्यू आ गया डी जेड बटा 2√x। तो यानी अब इस इक्वेशन देखो तो अब इस इक्वेशन में तुम जब ही यहाँ पे पुट करोगे जेड स्क्वायर और डी एक्स के जगह पे तुमको क्या पुट करना होगा, पुट करोगे। अब देखो वेरी सिंपल क्या करा, फिर से बोलो ना। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया ना। तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही पुट करेंगे डी जेड के जगह पे 2√x इंटू डी जेड। अब देखो अब यहाँ पे हमारा ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि जेड का हम लोग ना यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए यहाँ पे 2√x को आप बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी एक्स। तो देखो यहाँ 2√x जेड क्यू बाई 3 प्लस सी, ठीक है। चलो तो देखो अब 2√x ऐसे यहाँ से, अच्छा देखो ना हम इस पर सॉल्व करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर यहाँ से ये वैल्यू निकालना पड़ेगा रूट एक्स का, है ना। तो हम लोग बाद के देखते हैं, अगर इस पर आ गया तो ठीक है, और नहीं तो अभी ही बता देते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे 2√x है ना, तो 2 से तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट एक्स इक्वल टू जेड माइनस 2। तो फिर जेड माइनस 2 यहाँ पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे, ऐसे पहले करके देखते हैं। तो रूट एक्स, अब चलो तो यहाँ पे क्या आ गया आपका जेड क्यू बाई 3 ना, तो जेड इक्वल टू कितना माने हो, रूट एक्स प्लस 2 का होल क्यू बाय 3 प्लस सी। तो देखो तो 2√x, अब a प्लस बी का होल क्यू, तो चलो a क्यू, तो कितना x का पावर 3/2, काहे कि ऑलरेडी आपका इसका पावर 1/2 है, इसका क्यूब कीजिएगा तो 3/2 प्लस बी क्यूब 8 प्लस, ध्यान देना है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो एक्स इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 4 होगा ना, डिवाइडेड बाय 3 और ये प्लस सी। चलो अब आगे बताएं, यहाँ यहीं ऊपर में लिखूं, अब देखो मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, तो ये तो 3 तो यहाँ आ जाएगा ना, तो 2/3 और रूट एक्स तो कितना है 1/2 और यहाँ से 3/2 तो 4/2, तो एक्स स्क्वायर आया है ये टर्म। फिर चलो प्लस, हाँ ये टर्म नहीं आ रहा है ना, अच्छा रुको पहले इसको कर लेते हैं फिर मिलाना। तो देखो तब यहाँ 8/2 16/3, 8/2 16/3 रूट एक्स ये आया है, हाँ। चलो फिर इससे हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वाला करना होगा ना पहले, तो कितना है ये आपका 6/12, तो 12/3 एक्स रूट एक्स, यानी एक्स का पावर 3/2 एक्स रूट एक्स, और फिर प्लस, ध्यान देना है अब आपका यहाँ पे ये 12 ना, तो ये 12/24, अच्छा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स बाय 3 प्लस, इतना आया है नहीं, तो वेट इधर मैं मिटाऊं, देखो अब बन जाएगा,
चलो अब देखो तो तुम्हारा यहाँ पे कहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले हैं, ये आया ना हम लोग को टू इंटू रूट एक्स, ये वैल्यू आया है ना। तो चलो अब वहाँ पुट करते हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू डी एक्स में, अगर अच्छा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे तुम अगर रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू जेड माने हो तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ गया। तो देखो तो अब इंटीग्रेशन यहाँ पुट करते हैं जेड का स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू क्या है डी जेड इंटू टू रूट एक्स। चल यहाँ पे अरेंज करते हैं जेड स्क्वायर, टू तो आपका रहेगा ही ना, तो मैं टू को इधर लिख लेता हूँ और रूट एक्स इक्वल टू क्या ऐसे लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन। अब देखो तो यहाँ पे तुम्हारा टू जेड क्यूब माइनस फोर जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, लेकिन ये लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे पावर फोर हो जाएगा, तो तुमको ए प्लस बी को होल पावर फोर करने आएगा, तो इसको उसी मेथड से बनाया जाए। अब इसी कंक्लूजन ये है कि इसी पे आएगा, इस पे नहीं आया तो यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट करना होगा, लेकिन ये जो टर्म है आपका ये बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ गए ना। तो उसमें ध्यान देना है कि जब मान लो पावर में ना आए तो वहाँ पे इसका यूज कर लेंगे, और जहाँ मान लो होल पावर फाइव आ जाएगा तो ए प्लस बी को होल पावर फाइव लिखने में तुम्हारा टाइम जितना लग जाएगा उससे बेटर है ना कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या करना है यहाँ, हाँ रूट एक्स का स्क्वायर यही ना एक्स प्लस फोर रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स डी एक्स प्लस फोर ध्यान देना है एक्स का पावर वन बाई टू ना डी एक्स फिर फोर डी एक्स ऐसे लिखे हैं अरेंज में। तो अब देखो आपका एक्स स्क्वायर बाय टू फोर एक्स का पावर थ्री बाई टू बाय थ्री बाई टू और फोर एक्स प्लस आया है एट बाय थ्री एक्स रूट एक्स भी इसको लिख सकते हो फोर एक्स प्लस सी। ये देखो एक्स का पावर थ्री बाई टू के एक्स रूट एक्स नहीं लिख सकते हैं, अगर यहाँ एक्स का पावर वन और रूट एक्स तो वन बाई टू दोनों को ऐड कर देंगे तो थ्री बाई टू आ जाएगा, सीख गए। चलो इसके बाद आपका ये ना है, चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन बाय एक्स रूट एक्स और प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ध्यान देना है। तो देखो तब यहाँ इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ फाइव बाय टू, देखो ना टू इंटू एक्स का इसको तुम लिखोगे एक्स का पावर टू इंटू एक्स का पावर वन बाई टू, तो दोनों का बेस कॉमन है ना तो टू प्लस वन बाई टू, तो ये फोर प्लस वन एक्स का पावर फाइव बाई टू नहीं आएगा, ये सब हम आपको पहले ही प्रैक्टिस करा चुके हैं तो ये सब पे आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इंटू डी एक्स फिर चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब देखो एक्स का पावर वन और यहाँ वन बाई टू तो थ्री बाई टू और न्यूमिनेटर में आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो माइनस थ्री बाई टू इंटू डी एक्स, और फिर चलो यहाँ एक्स रूट अंडर है ना तो डायरेक्ट एक्स का पावर बस लगा दो, तब एक्स अब देखो यहाँ पे अब एक्स का पावर अब जितना यहाँ पावर है उसमें प्लस वन ऐड होता है तो डायरेक्ट सेवन बाई टू नहीं लिख दोगे और डिवाइडेड बाई सेवन बाई टू, क्या कि फाइव बाई टू प्लस वन टू एलसीएम लोगे ना तो फाइव प्लस टू बाई टू तो सेवन बाई टू और सेवन बाई टू से डिवाइड भी करना है कोई दिक्कत, फिर चलो प्लस
अब x का पावर माइनस थ्री बाई टू है, अब प्लस वन कीजिएगा तो बचेगा माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे भी माइनस वन बाई टू, फिर चलो यहाँ पे x का पावर अब प्लस वन बाई टू है तो प्लस वन बाई टू और प्लस वन तो थ्री बाय थ्री बाई टू प्लस सिक्स, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे अब आपका टू बाई सेवन एक्स का पावर सेवन बाई टू, फिर माइनस टू बाई वन, तो टू ही लिखें, टू बाई वन टू लिखें। अब देखो टू बाई, अब एक मिनट यहाँ ध्यान देना है, ये तो टू ऊपर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, अब एक्स का पावर माइनस वन बाई टू है तो वन बाय एक्स का पावर वन बाई टू, और उसको क्या लिखेंगे ऐसे लिख दें टू बाई रूट एक्स, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं ना। टू आपका ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका न्यूमिनेटर में निगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स का पावर वन बाई टू इक्वल टू रूट एक्स। चलो अभी आपका फिर से टू बाई थ्री, टू ऊपर आ जाएगा ना तो टू बाई थ्री, अब एक्स का पावर थ्री बाई टू, तो एक्स का पावर थ्री बाई टू को क्या लिख सकते हो एक्स रूट एक्स, वेरी गुड, तो एक्स रूट एक्स प्लस सी, और इसको सिंपल कर लो ना टू बाई सेवन, हाँ एक्स क्यूब रूट एक्स टू बाई रूट एक्स टू बाई थ्री एक्स रूट एक्स प्लस आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवन, ये तो बहुत आसान है, अब क्वेश्चन नंबर एट भी बहुत आसान है, बनाए हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेवन यहीं कर दूं, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, अब देखो तो यहाँ इंटीग्रेशन बहुत आसान है ना। अब देखो यहाँ ये तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। सर ये कैसे हो गया, तो ये भी पढ़ाएंगे, हाँ तो उल्टा होगा ना, वन बाय लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाय एक्स, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, समझ गए। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर एट बना है, किन किन से बना है, बाकी लोग नहीं ट्राई किए, बहुत सिंपल है, पहले नोट करो इसको, नोट करो इसको, फिर वो हम बताते हैं। ये रूट एक्स इंटू एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू लिखते हैं, इस सब में कोई दिक्कत नहीं ना है, तो आसान है, चलो नोट करो, सिखा देते हैं अभी तुरंत, जल्दी करो। अब अलजेब्रिक फंक्शन को छोड़ के अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, ठीक ना। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर एट, इंटीग्रेशन एक्स का पावर फोर डी एक्स माइनस थ्री को बाहर रखें एक्स क्यूब डी एक्स, फिर फोर को बाहर रखें ना एक्स स्क्वायर, फिर फाइव को बाहर रखें ना एक्स डी एक्स, और सिक्स को तो आपका डी एक्स। एक लाइन में देखो इसका आंसर, एक्स का पावर फाइव बाय, सिखाए हैं ना एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। चलो फिर माइनस थ्री एक्स का पावर फोर बाय, चलो फोर एक्स क्यूब बाय, और फिर फाइव एक्स स्क्वायर बाय, और सिक्स एक्स प्लस सी, नहीं हो गया। साइन एक्स का कॉस एक्स पढ़े हो ना, हाँ बादल कहाँ है रे, सन्नी भी नहीं आया है, सोड़ा है। चलो देखो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, अब देखो डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का क्या पढ़े हो ना, यहाँ पे आपका साइन एक्स का हो जाएगा ठीक है। चलो फिर डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या सेक स्क्वायर एक्स पढ़े हो ना, अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा टेन एक्स, और जब तक इनडिफिनिट है तो प्लस सी लगाना जरूरी है। फिर चलो डी बाई डी एक्स, ध्यान दो सेक एक्स का क्या पढ़े थे ना सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
यहाँ देखो sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर चलिए यहाँ डी बाई डी एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका भी आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कोट एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, यहाँ प्लस सी लिखना भूल गए, तो यहाँ पे आप कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स क्या जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। चलो ध्यान दो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स ना, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स का हो जाएगा लॉग, अच्छा मॉडलस में लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, एक्स का निगेटिव वैल्यू भी रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा ना मॉड के बाहर, समझ में आया। ध्यान दो यहाँ कूट देंगे, डी वाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का क्या पढ़ा है, तो ई टू दी पावर ई एक्स नहीं, तो इसका ई टू दी पावर इसका भी मॉड प्लस, ठीक है। चलो नोट करो अच्छे से, सब लोग नोट कर लो पैरेलली, ताकि तब इस पर हम लोग पढ़ाते हैं। और देखो अब डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, इसका तो मान लो ये फॉर्मूला होता ही है, तब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सीखना है। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अब मान लो यहाँ लोअर लिमिट दिया हुआ है जीरो और अपर लिमिट दिया हुआ है वन, और वैल्यू निकालना है डी एक्स का, ठीक है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स तुम लोग जानते हो ना, क्या कि यहाँ पे तो एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हो, फिर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन बाई वन, एक्स एक्स ही आएगा ना। अब यहाँ क्या करना है, एक बिग ब्रैकेट यूज करना है, यहाँ लिखेंगे जीरो यहाँ लिखेंगे वन, प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि वैल्यू ही इसका कॉन्स्टेंट आता है। अब चलो पहले अपर लिमिट माइनस बाद में लोअर लिमिट, वैल्यू कितना आ गया देखो, एक्स डी एक्स जरूरी नहीं है कि जीरो और वन, लोअर लिमिट कितना है अपर लिमिट, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है रे गधा सब नहीं बोलोगे, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तब कब बोलोगे, फिर ये टू से इसको पढ़ते हैं टू टू थ्री टू टू। चलो अब यहाँ पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो थ्री का स्क्वायर बाय टू, फिर माइनस लोअर लिमिट हो गया, तो थ्री का स्क्वायर कितना नाइन बाय टू, फोर बाय टू, फाइव बाय टू, ये तो अपने आप कॉन्स्टेंट आया, तो प्लस सी लिखने की ज़रूरत है, सीख रहे हो। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तुमको समझ में अभी तक नहीं आया, अरे मार के खून कर देंगे हम तुमको, जितना रहने ही नहीं देंगे, जो दोबारा फिर डाउट तुम्हारे पास आएगा। ये देखो तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी नहीं तुमको अनडिफिनिट में पढ़ाए हैं, इनडिफिनिट में, तो क्या पूछ रहा है तुम हमसे, पूछो वो जो नहीं बताए हैं, इसलिए कहते हैं फॉर्मूला याद रखो पीछे का प्रैक्टिस करके आओ। ऐसा क्वेश्चन पूछते हो बताओ, वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड होगा, तो जो लोग मान लो दूसरे स्टेट के लोग देखेंगे तो पूछेगा ना कि सर इतना बता देते हैं फिर भी कौन सा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है, ध्यान दो जो बताते हैं ना उस पर ध्यान दो। ये हो गया, अगला क्वेश्चन देख, अभी यहाँ बातचीत फिर बात करेगा रे, बात नहीं करेगा कोई, देखो यहाँ अब फिर लोअर लिमिट वन लेते हैं अपर लिमिट, मान लो एक्स प्लस वन का ही हम तुमको कह रहे हैं इंटीग्रेशन निकाल, एक्स प्लस कुछ नहीं करना है,
वन से टू एक्स डी एक्स यहाँ लिख लेंगे, यहाँ वन से टू वन इंटू डी एक्स। अब एक्स डी एक्स का कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, ये वन से टू और यहाँ पे फिर आपका क्या एक्स, तो वन टू टू, क्योंकि डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स का एक्स नहीं होता है। तो चलो अब यहाँ अपर लिमिट टू का स्क्वायर बाय टू माइनस वन का स्क्वायर बाय और फिर प्लस टू माइनस, पहले अपर माइनस लोअर। अब देखो यहाँ फोर बाय टू माइनस वन बाय टू प्लस वन, टू एलसीएम ले लेगा रे, तो फोर माइनस वन प्लस टू यानी सिक्स माइनस वन बाय टू, कहने का मतलब सीख गए।